हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलेवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी में या मुख गुहा में पाई जाती है, और ये नलिका युक्त ग्लैंड्स हैं, मतलब इनके अंदर डक्ट्स होती है। और हम जानते हैं कि जिन ग्रंथियों के अंदर डक्ट्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है या जो लार ग्रंथियां हैं, इनका मुख्य कार्य है लार का स्त्रावन, यानी कि दे सिक्रीट सलाइवा। ओके, अब ये प्रतिदिन कितना लार का स्त्रावन करती है, यानी कि पर डे हमारी बकल कैविटी के अंदर लगभग कितना लार का स्त्रावन होता है। तो याद रखना, हमारी बकल कैविटी के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 1 लीटर से लगाकर और 1.5 लीटर तक सलाइवा या लार का क्या हो जाता है, स्त्रावन हो जाता है। ओके, और एक चीज याद रखना कि जो लार का स्त्रावन होता है वो एक्चुअली तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। ओके, CNS, PNS और ANS, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको कि शॉर्ट के अंदर हम ANS या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड 2 सिस्टम होते हैं, एक पैरासिंपेथेटिक और एक सिंपैथेटिक, यानी कि परानुकंपी और अनुकंपी। ओके, तो याद रखना कि परानुकंपी तंत्रिकाएं जो होती है, ओके, क्या कहा मैंने, परानुकंपी तंत्रिकाएं, पैरासिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है वो तो लार के स्त्रावन को क्या करती है, प्रेरित करती है। यानी कि जो पैरासिंपैथेटिक नर्व्स है वो लार ग्रंथियों को लार स्त्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करेगी, प्रेरित करेगी। और अनुकंपी तंत्रिकाएं जो होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है वो लार के स्त्रावन को क्या करती है, रोकती है। ओके, मतलब ऑल टुगेदर इसका कंट्रोल जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के हाथ में है। अब हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि मानव की मुख गुहा के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो याद रखें, मानव के अंदर 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। ओके, और वो जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी है, तो एक तो है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, और तीसरी जो होती है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, जिसको कि हम लोग सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की। जैसे कि नाम दर्शाए सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब होता है जिह्वा के नीचे, यानी कि इसको हम बोलते हैं अधोजिह्वा लार ग्रंथि, यानी कि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और ये तीनों जो लार ग्रंथियां हैं उनमें सबसे छोटी मानी गई है। ओके, और ये कहां पर स्थित होती है, तो ये सबलिंगुअल जैसा कि नाम दर्शा रहा है, ये टंग के नीचे, जिह्वा के कहां पर होती है, नीचे स्थित होती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया है कि जितनी भी लार ग्रंथियां होती है वो नलिका युक्त होती है, तो नेचुरली कि इस लार ग्रंथि की भी कोई नलिका होती होगी जिसके द्वारा ये लार ग्रंथि अपना स्थावन करती है। तो इससे निकलने वाली जो डक्ट है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस या रिविनस की नलिका कहते हैं। ओके, और रिविनस की नलिका को ही हम बार्थोनी नलिका कहते हैं। ओके, तो बार्थोनी नलिका कहो या डक्ट ऑफ रिविनस कहो। ओके, साथ के साथ अब आइए कि ये जो दूसरी सलाइवरी ग्लैंड है, ये सबसे महत्वपूर्ण सलाइवरी ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये कान के नीचे, इट इज जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द ईयर। कान के कहां पर होती है, नीचे स्थित होती है। और इसकी जो नलिका होती है उसको हम कहते हैं स्टिंसन्स डक्ट या स्टिंसन्स नलिका, जिसके द्वारा ये लार का क्या करती है, स्त्रावन करती है। और याद रखना कि ये ऊपरी जबड़े में खुलती है, ये कहां पर खुलती है, ऊपरी जबड़े के अंदर। जैसे आपने देखा था ना कि सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो कहां पर खुल रही थी, ये जो सबसे पहले वाली जो ग्लैंड थी सबलिंगुअल ग्लैंड, ये कहां पर खुल रही थी, दैट इज टंग के नीचे। वैसे ये कहां पर खुलती है, दैट इज ऊपरी जबड़े में क्या होती है, ये खुलती है। और इसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि 20 से 25% लार का स्त्रावन होता है। इट सिक्रीट्स 20 to 25% ऑफ द सलाइवा। ओके, और जो तीसरे प्रकार की ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, यानी कि सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और ये न तो छोटी होती है और न बहुत बड़ी होती है, ये मध्यम आकार की ग्रंथि है। दीज आर मीडियम साइज ग्लैंड्स, और ये
ऊपरी और निचले जबड़े के कहां पर खुलती है, जंक्शन पर क्या होती है, स्थित होती है। तो आपने क्या देखा, सबलिंगुअल जो थी वो टंग के नीचे स्थित होती है, ये ऊपरी जबड़े में खुलती है, और ये कहां पर है, ऊपरी व निचली जबड़े के जंक्शन पर क्या होती है, स्थित होती है। नाउ इसकी नलिका जो है वो कहां पर खुलती है, यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड की नलिका जो है वो कहां पर खुलती है, तो निचला जो जबड़ा होता है ना, उस निचले जबड़े के अंदर जो आगे के दांत होते हैं जिनको हम कृंतक या इंसीजर कहते हैं, तो निचले जबड़े के इंसाइजर दांतों के ठीक पीछे की तरफ क्या होती है, ये खुलती है। ओके, और इसके द्वारा 70-75% लार का क्या होता है, स्थावन, यानी कि सबसे ज्यादा लार का जो स्थावन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि के द्वारा हो रहा है। और इसकी डक्ट को हम क्या कह देते हैं, वार्टन नलिका कह देते हैं। इसकी डक्ट को क्या कह देते हैं, वार्टन नलिका। तो आपको क्या याद रखना है, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो कि टंग के नीचे स्थित होती है उसकी डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन नलिका। और जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और उसकी नलिका को हम क्या बोल देते हैं, स्टिंसन्स नलिका कह देते हैं, जिसके द्वारा वो लार का स्तवन करती है। और ये कहां पर होती है, कान के कहां पर होती है, नीचे स्थित होती है, सबसे बड़ी होती है। और सब मैक्सिलरी जो लार ग्रंथियां होती है वो ऊपरी और निचली जबड़े के जंक्शन पर पाई जाती है। इसकी नलिका को हम वार्टन नलिका कहते हैं, और खुलती कहां पर है, तो ये निचले जबड़े में इंसाइजर दांतों के ठीक पीछे क्या होती है, खुलती है। ओके, ये तो तीन जोड़ी ग्रंथियां मानव के अंदर थी। लेकिन यदि हम बात रैबिट की करते हैं, तो रैबिट के अंदर इन तीन जोड़ी लार ग्रंथियों के अतिरिक्त, जो मानव के अंदर तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसके अतिरिक्त एक जोड़ी लार ग्रंथि और भी होती है, और उसका नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि। तो यहां पर एडिशनल ग्लैंड, एक्स्ट्रा ग्लैंड कौन सी हुई, इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि, और ये जाइगोमेटिक भी कहलाती है। और ये आई ऑर्बिट्स के कहां पर पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। तो वहां पर कितनी जोड़ियां हो गई, चार जोड़ियां। हमारे अंदर कितनी जोड़ी है, तीन जोड़ी। और यदि मैं कैट की मैं बात करूं, बिल्ली की बात करूं मैं, तो बिल्ली के अंदर न तो तीन जोड़ी है न चार जोड़ी है, यहां पर कितनी है, पांच जोड़ी है। और पांचवी जोड़ी जो यहां पर अतिरिक्त ग्रंथि है वो कौन सी है, मोलर ग्रंथि। मतलब तीन जो मानवों में है वो तो है ही है, एक इंफ्रा ऑर्बिटल जो रैबिट में थी वो तो है ही है, और एक और एडिशनल ग्लैंड है, और उसका नाम क्या है, मोलर ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपना, कि लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावन होता है, राइट। हमने बता दिया कि लार ग्रंथियां कौन कौन सी थी, और हमने उनकी डक्ट्स की भी बात की। अब लार का संगठन क्या है, यानी कि लार जो है उसका कंपोजिशन क्या होता है, लार किन किन रचनाओं से बनी है, तो वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर कंटेंट जो है वो लार के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। वाटर कंटेंट जो है वो लार के अंदर 99%, कभी कभी तो ये 99.5% तक भी क्या होता है, वाटर कंटेंट जो होता है वो पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका कि नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। और आप जानते होंगे कि लाइसोजाइमल एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। यानी कि जो हमारी लार के अंदर है वो एक नेचुरल एंजाइम है जिसका कि नाम है लाइसोजाइम, वो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। क्या करते हैं ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर जाकर क्या करता है, अपना एक्शन करता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, और इस प्रकार से बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि इट किल्स द बैक्टीरिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, दैट इज नॉन एज द टाइलिन। ओके, टाइलिन, ये जो टाइलिन है इसको हम लार अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हमारी लार के अंदर पाया जाता है, और इसको हम स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम या स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ये स्टार्च को दो भागों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, राइट। एक तो इससे क्या बनता है, माल्टोज, प्लस क्या बनता है, लिमिट डेक्सट्रीन। ओके, ये जो माल्टोज है वो तो डाइसैकेराइड शुगर है, और लिमिट डेक्सट्रीन जो है वो 3-4 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी है। तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टार्च का डाइजेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि टाइलिन एंजाइम यानी कि लार एमाइलेज एंजाइम लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट को बकल कैविटी के अंदर ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और याद रखना, जब स्टार्च माल्टोज में बदलता है तो माल्टोज क्या एक डाइसैकेराइड शुगर है, तो फूड जो होता है, राइट, वो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तभी तो हम जब ब्रेड खाते हैं और उसको चबाते हैं, और चबाने पर जब भोजन के साथ लार मिश्रित हो जाती है तो वो भोजन जो है, वो ब्रेड जो है, वो कैसी हो जाती है, मीठी हो जाती है। ओके,
तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाइलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। एंटीबॉडीज, राइट, एंटीबॉडीज यानी कि क्या होती है, प्रतिरक्षी। वैसे तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, राइट, IgA, D, E, G और M, A, D, E, G, M, है ना, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन उनमें से जो एंटीबॉडी, जो प्रतिरक्षी आपके लार के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, IgA टाइप, IgA प्रकार की एंटीबॉडी आपके लार के अंदर पाई जाती है। इतना ही नहीं, लार के अंदर कुछ विशेष प्रकार के आयन भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट बोलते हैं। और याद रखना, थायोसाइनेट जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। थायोसाइनेट भी कैसे हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, यानी कि ये भी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। इतना ही नहीं, लार के अंदर एक लैक्टोफेरिन भी होता है, और लैक्टोफेरिन जो लार के अंदर पाया जाता है वो भी कैसा है, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। ओके, साथ के साथ लार के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है और उसका नाम है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, श्लेष्म होता है। और इस श्लेष्म किसका बना होता है, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ध्यान रहे, श्लेष्म के अंदर क्या पाया जा रहा है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। ओके, और ये जो म्यूकस होता है वो आपकी बकल कैविटी जो होती है उसकी जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है, राइट, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको सुरक्षित करने का क्या करता है, काम करता है। ओके, इतना ही नहीं, आपकी लार के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कुछ विद्युत अपघट्य भी होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। और लार में बाइकार्बोनेट भी होते हैं, और ये बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो भोजन की अम्लीयता को उदासीन करता है, यानी कि जो एसिडिक फूड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो बाइकार्बोनेट आयंस करते हैं, जो कि लार में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हमारी लार के अंदर ऐसा माना जाता है कि सलाइवरी लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज एंजाइम तो क्या होता है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, लेकिन ये जो सलाइवरी लाइपेज एंजाइम है ये पूरी तरीके से लार के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के यहां पर फैट का डाइजेशन नहीं करेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें यूरिया और यूरिक एसिड भी पाया जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में, लेकिन यूरिया और यूरिक एसिड भी क्या होता है, पाया जाता है। साथ ही याद रखना, ये जो टाइलिन स्थापित होता है, ये ऐसा मानते हैं कि टाइलिन जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर इसको क्या करती है, स्थापित करती है। और टाइलिन को एक्टिवेट करने वाला जो है वो कौन होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं। ओके, और जो लार का कार्य है, लार क्या क्या है, तो आपने अभी ऊपर कंपोजिशन के अंदर देखा है कि एक लार का इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये एंटीबैक्टीरियल होती है। जब भोजन के साथ लार मिश्रित होता है तो लार के अंदर उपस्थित कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं, जैसे कि लैक्टोफेरिन है ना, जैसे कि लाइसोजाइमल एंजाइम है, ये सब कैसे होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, राइट। लार जो होती है वो पाचन में मदद करती है। आपने देखा है कि लार के अंदर लार अमाइलेज एंजाइम है, जो स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है। तीसरा, निगलने में मदद। आप जब भोजन को खाते हैं और उसको जब भोजन को दांतों से पीसते हैं, राइट, और उसके साथ में लार मिश्रित हो जाती है तो भोजन चिकना बन जाता है और उसको निगलना, स्वेलो करना क्या होता है, आसान होता है। लुब्रिकेंट, आपने देखा होगा लार का स्वभाव है कि वो कैसी होती है, चिपचिपी होती है, और ये लुब्रिकेंट की तरह काम करती है। ओके, एंड द सलाइवा ऑल्सो मेंटेन्स अ पर्टिकुलर पीएच इन योर माउथ। आपके मुख के अंदर एक निश्चित पीएच को मेंटेन करने का भी काम किसका है, लार का है। और यार बता दूं आपको कि पीएच ऑफ सलाइवा जो है, लार का जो पीएच होता है, लार का जो पीएच है वो कितना है, 6.8 माना गया है, और 6.8 जो है वो न्यूट्रल के करीब है। तो याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, हल्का अम्लीय। क्यों, क्योंकि अम्लीय कहना इसलिए जरूरी है, 7 से कम है, राइट, तो 7 से कम है तो ये कैसा है, हल्का अम्लीय है। 6.8 है इसका पीएच, यानी कि इट इज स्लाइटली एसिडिक। इसको क्या कहते हैं, स्लाइटली एसिडिक मानते हैं, राइट। चलो एक और चीज जान लो कि यदि मेंढक की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि फ्रॉग के अंदर किसी भी प्रकार की लार ग्रंथियां नहीं होती है। फ्रॉग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी सलाइवरी ग्लैंड। ओके, नाउ यहां पर कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैंने लिख रखी है, मम्स। आपने देखा होगा यहां पर कानों के नीचे इस जगह पर क्या हो जाते हैं, मम्स हो जाते हैं। ये मम्स है क्या, आपने अभी जस्ट देखा पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन कहां पर थी, इट वाज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द ईयर, कानों के नीचे पाई जाती थी। ओके, तो ये जब पैरोटिड ग्रंथि के अंदर जब कोई वायरस का इंफेक्शन होता है, जब पैरोटिड ग्रंथि में वायरस का इंफेक्शन होता है, मैं आपको बता दूं उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। जब पैरोटिड ग्रंथि के अंदर पैरामिक्सो वायरस का इंफेक्शन होता है तो ये ग्लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है,
राइट, यानी कि सूज जाती है और फिर बाद में इसमें एक्यूट क्या होता है, पेन होता है, ओके पेन होता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, मम्स कह देते हैं, जो कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मम्स कहते हैं। साथ के साथ ये याद रख लो कि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भोजन आपने दांतों के द्वारा पीस दिया है और जिसको आपने उस को लार के साथ में मिश्रित कर दिया है, ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, या कभी कभी ये पूछते हैं कि मुख गुहा में भोजन का स्वरूप क्या कहलाता है, तो मुख गुहा के अंदर भोजन के स्वरूप को हम क्या कह देते हैं, बोलस कह देते हैं, ओके। और यही बोलस जो है वो अपने मुख से होता हुआ कहां पर पहुंचता है, आमाशय के अंदर पहुंचता है, और जब आमाशय के अंदर उसका और पाचन हो जाता है तो बोलस स्वरूप जो है वो काइम के अंदर बदल जाता है, और छोटी आंत के अंदर काइम जो है वो काइल स्वरूप के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है, ओके। सो स्टूडेंट, ये जो था अपना वीडियो, ये लार के ऊपर था और लार ग्रंथियों के ऊपर था, और हमने देखा कि किस प्रकार से लार जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसको भी आपने देखा। हम लोग नई वीडियोस के साथ में आएंगे बहुत जल्द ही, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप ले सकते हैं।